हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट कैसे लिखा जाता है और कैसे बैकग्राउंड टेस्ट को इमेज के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, मैं इस पे टेस्ट लिखने जा रहा हूँ। ये लिया, इसको हमने कर दिया ऑल VGFX सोल्यूशन .com। यहाँ पे इसको लेके जाते हैं, कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस के थ्रू इसको जूम कर लेते हैं। कंट्रोल टी इसका फॉन्ट बढ़ाने के लिए, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, लेयर में जाके कंट्रोल के साथ में प्रेस करें, ये आ गया। अब इस लेयर को बंद कर दें। अब आपका ये सिलेक्शन हो गया पूरा का पूरा। अब लेयर वन पे आप प्रेस करते हैं और कंट्रोल सी, यहाँ पे जाइए कॉपी, और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एक और लेयर निकल के आ गई है। अब इसका क्या है, अगर इसको आपने देखना है तो इसमें जाके, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको फेदर में जाके इसमें स्ट्रोक दे दीजिए। ये देखिए स्ट्रोक। अब जब आप इसमें स्ट्रोक देंगे तो ये चीज़ आपकी बाहर निकल के आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए इसमें। मैं आपको B1 एमोज डबल क्लिक कीजिए इस पर। ये देखिए ग्रेडियंट हम नहीं डालते, आउटर ग्लो डबल क्लिक कीजिए और इसको स्प्लिट कर दीजिए। कलर ओवरले, ये देखिए ये एक इमेज बन गई है पूरी की पूरी। अब इसको क्या करेंगे, ये आपने आपका टेस्ट बन गया पूरा का पूरा सेम फॉन्ट में। फिर कलर ओवरले को चाहे तो आप हटा सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे कलर ओवरले पे हम चाहें तो दूसरा कलर भी कर सकते हैं, जैसे वाइट देना चाहें वाइट दे सकते हैं। यहाँ पे इसकी बीवेल आउटर ग्लो जो है इसका थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि ये दिखे। अब इसके बैकग्राउंड में चाहें तो कोई इमेज भी कट करके डाल सकते हैं हम। जैसे कि मैं एक इमेज ले लेता हूँ कोई भी, ये हम इमेज ले लेते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैजिक वैंड के थ्रू हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। ये देखिए पूरी इमेज सिलेक्ट हो गई है। कंट्रोल्स सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से इसको इन्वर्स कीजिए, ये पूरी आपकी इमेज सिलेक्ट की हो गई है। कंट्रोल सी आप प्रेस करेंगे, कॉपी भी कर सकते हैं और कंट्रोल वी
ये देखिए आपकी एक पूरी इमेज निकल के आ गई है। अब आप इसको क्या करेंगे, मूव टूल के थ्रू इसको उठा के यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ले आइए, कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और इसको यहाँ लगा दीजिए। इस इमेज को यहाँ से हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। इसको इरेजर के थ्रू आप रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक पूरी की पूरी इमेज बन गई है। कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस के थ्रू आप हम इसे जूम आउट कर सकते हैं। कंट्रोल आल्ट सी से आप इसकी थोड़ी सी चाहें तो ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। सेव एज करके इस फाइल को आप सेव कर लीजिए। या सेव कीजिए इमेज जेपैग में, हम सेव कर लेते हैं जेपीजी में। यहाँ पे जाइए आप, ये डेस्कटॉप पे चाहें तो आप इसको डेस्कटॉप पे भी इमेज को यूज कर सकते हैं। लाइब्रेरी पिक्चर जेपैग, ये फ्रेंड्स यहाँ पे 8.5 मीडियम साइज हो जाएगा। यहाँ आप जाएंगे मैक्सिमम साइज हो जाएगा, लार्ज साइज 12। इस फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हैं। ओके कीजिए, अभी आपकी फाइल सेव हो गई है। इसको आप क्लोज कर सकते हैं, ये आपने क्लोज कर दिया, इसको भी आपने इमेज को क्लोज कर दिया। अब आप चाहें तो इसको डबल क्लिक करके ओपन करके भी देख सकते हैं। ये देखिए हमारी एक इमेज बन गई है जो पूरी की पूरी मर्ज हो चुकी है। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, ये देखिए। अब आप चाहें तो इस इमेज के ऊपर एक ग्रेडियंट लेयर भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक क्रिएट न्यू लेयर कीजिए, यहाँ पे आप जाके एक क्रिएट न्यू लेयर कीजिए और यहाँ से आप रेड कलर ले लीजिए या कोई भी कलर जो भी आपको पसंद हो, ये कलर लीजिए और
ग्रेडियंट उस पर डालिए, ये आ गया। अब ये इमेज आपकी आ गई है, ठीक है। इसको आप इसके थ्रू आप डाउन कर दीजिए, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए मैंने एक इस पर एक ब्रा एक लेयर पे एक लेयर बनाई थी जिसको मैं जिसके ऊपर मैंने कलर डाला था। अब आप चाहें तो कंट्रोल यू करके ह्यू सैचुरेशन के थ्रू इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए किसी भी कलर में आप इसको ला सकते हैं। कंट्रोल एस कर दीजिए और इस इमेज को जेपैग में फिर सेव कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी ये लेयर दो लेयर बन गई हैं, इसलिए अगर इसको सेव अगर आप इसको सेव करते हैं तो जेपैग इमेज में ये मर्ज हो जाएगी। आप चाहें तो पीएचडी में भी इसे सेव कर सकते हैं और जेपैग में भी। ओके ओके, इसको बंद कर दीजिए। नो, अब देखिए मैं आपको डेस्कटॉप पर लगाना बताता हूँ। स्क्रीन रेजुलेशन में हम जाते हैं, पर्सनलाइज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यहाँ पे आप ब्राउज़र में जाइए, यहाँ पे आपकी जहाँ इमेज है ई ड्राइव या लाइब्रेरी में माय पिक्चर, ये आपकी इमेज आ गई है और इसको आप ओके कर दीजिए। लाइब्रेरी में जाते हैं, पिक्चर, ओके, ये आपकी एक इमेज आ गई है, इसको हम डबल क्लिक करते हैं। ये आपकी पूरी एक इमेज यहाँ पे बन के आ गई है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह आप स्क्रीन पे कोई भी चीज़ लगा सकते हैं और डेस्कटॉप पे सेट कर सकते हैं, बिल्कुल आपका एक इमेज बन जाएगी। ये देखिए ये पूरा का पूरा आपको मैंने बैकग्राउंड का डेस्कटॉप बैकग्राउंड 1920x HD रेजुलेशन में ये इमेज मैंने लगाई है, ना ही इसे जेपैग ज़रूर बनाना पड़ा इसको। तो फ्रेंड्स कल मैं आपको बताऊंगा कुछ और नई चीज़ें, तब तक के लिए नमस्कार।